टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब कॉपी एसओ में कर रहे हैं। देखो, लेंथ 120, हाइट 50, विड्थ 45 प्लस 30। ये देखो, ये 45 है और ये जो देखो ये थोड़ा बड़ा है, ये 45 तक आ गया और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, इसलिए ये 45 प्लस 30। यहाँ से पहले चालू करेंगे। ये देखो, पहले सेंटर मार्क किया, अभी इसका मिड पॉइंट लेके ये देखो यहां से 15-15 मार्क कर देंगे पहले, उसके बाद लाइन बना देंगे। अभी यहां से 15-15, यहां से भी 15-15, यहां से भी 15-15। तो पहले हम लोग एक रोम्बस बना देते हैं, मतलब दो रोम्बस बना देंगे दोनों साइड पे। देखो हो गया, इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल, यहाँ से मिड पॉइंट से लाइन, ये मिड पॉइंट से, इसको चैनल वी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल और चैनल वी बनाइए। इसको लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी देखो ये सर्कल बनाना है, सो 1, 2, M, ये डिस्टेंस M होता है, मिड पॉइंट वाला पॉइंट, और वहां से कर्व बना दिया। अभी 3 से M और कर्व बना दो। सेम इधर भी बना दो, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये रेडियस लेते हैं 5 से, इतना वो ज़रूरत नहीं है, 6 से कट करेंगे। इसको M लिखता हूँ, M जो पॉइंट 8 है, 8 to M लेके कर्व। तो इस प्रकार से दो सर्कल बन गए। अभी बीच का सर्कल है, उसके लिए भी सेंटर है, तो इसका सेंटर पॉइंट पहले निकालेंगे। बाद में लाइन, ये जो है ये 45 है, तो दोनों साइड से 15-15 कट कर दिया, तो बीच में क्या आ गया 45। ये देखो, ये एक्सटेंड कर दो, 45 ऊपर तक लेके जाओ और लाइन बना दो। ये हाइट 15 है, और यहां से 30-30 लेना है, सेंटर से 30-30 लेना है जो दिया हुआ है। यहां से भी लाइन आएगी कितनी, 120। वहां
यहाँ से ऊपर जाएगी लाइन स्ट्रेट, वो कितनी जाएगी 15। बाद में स्लोप ज्वाइंट कर दो, यहाँ से भी ये स्लोप ज्वाइंट कर दो, ये बन गया। अभी नीचे भी आएगा, ऊपर जैसा सर्कल है वैसे नीचे भी आएगा, तो ये पॉइंट को नीचे लेके आओ, ये पॉइंट को भी नीचे लेके आओ, 1 और 3 को कितना 50। 1 को नीचे लेके जाएंगे 1', 1 to M लेके नीचे जो गए 50, वहां से आर्क बना देंगे। इसको कॉपी पेस्ट बोलते हैं। ऊपर से रेडियस लिया, देखो वापस ऊपर से रेडियस लिया, नीचे गए डिस्टेंस और आर्क बना दिया। यहां से वर्टिकल लाइन और यहाँ से टेंजेंट, तो इस प्रकार से ये साइड वाला हो गया। अभी जो आगे है वो पीछे भी है, कितना पीछे है 45, तो इसको 45 ले लो, इसको 45 ले लो, इसको भी 45 पीछे ले लो और ज्वाइंट कर दो स्लोप। ये बनाना है हाइट 15, तो उसके लिए हाइट 15 वर्टिकल पे लेना पड़ेगा, स्लोप पे नहीं लेते, और इसको एक्सटेंड करते हैं जहां पे भी कट हुआ वहां से वापस हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन 30 डिग्री पे। अभी 15 15 दोनों साइड लेके, यहां पे भी 15 15 दोनों साइड लेके आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको स्लोप भी मिल गया। ये उस साइड आएगा, देखो इसको ऐसे लो, यहां से प्रोजेक्ट करो, यहां से करो और यहां से, ऐसे आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये ऊपर का लाइन देखो, यहां से इधर ये डार्क होगा। अभी बीच में सर्कल बनाना है, तो सेंटर पॉइंट लेके 15 15, तो रोम्बस बन गया। यहां से लॉन्गेस्ट डायगोनल सेंटर से मिड पॉइंट, यहाँ पे ये देखो 1 लिखता हूँ मैं, 1 to M, 2 3 4, 1 to M लेके आर्क बनाएंगे, 2 to M लेके आर्क बनाएंगे, 3 to M एंड 4 to M, ऐसे सब जगह से आर्क बना देंगे, मतलब पहले सर्कल बना देंगे, बाद में हम डार्क करेंगे जितना इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन के साथ। देखो अभी लाइन को एक्सटेंड करो, तो जहां पे भी वो सर्कल को टच करेगा वहां तक डार्क,
यहाँ पे भी जहाँ तक वो सर्कल को टच कर रहा है वहाँ तक डार्क, बीच में हॉलो है, बीच में पूरा खाली है। देखो ऐसे लाइन बनेगी। यहां से ये रेडियस और यहां से ये, देखो इतना ही डार्क आएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे साइड से भी ड्रॉ करेंगे। बाद में इसको नीचे लेके जाएंगे, यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से नीचे। देखो ऐसे ये रेडियस लिया, इसको कितना नीचे जाना पड़ेगा, 15। बाद में वापस कट कर दीजिए, तो इस प्रकार से अंदर वाला पार्ट भी बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया। अभी देखेंगे तो एक छोटा सा पार्ट बनाना तो बना सकते हैं। ये ले लो, यह रेडियस लेके नीचे इतना कर्व। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसमें एक्सिस बना सकते हो और लेंथ विड्थ हाइट का डायमेंशन कर सकते हो।